आज समूचा विश्व राम में भक्ति में डूबा है। अमेरिका से लेकर मॉरिशस तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर न्यूजीलैंड तक, पूरी दुनिया में रामलला की गूंज है। आखिर हो भी क्यों ना, 500 साल लंबे संघर्ष के बाद रामलला अयोध्या में विराजे हैं। लेकिन इस लंबे संघर्ष में कितने राम भक्तों ने शहादत पाई और कितने राम भक्तों ने यातनाएं झेली, आज हमारा विशेष बुलेटिन इसी पर आधारित है। पेश करते हैं इस लंबे संघर्ष और बलिदान वाली कहानी के कुछ अंश। ये तमाम अंश हमने तमाम जगहों से लिए, जिस प्रकार के दावे किए जाते हैं, हिंदू भक्त दावे करते हैं, या फिर जिस प्रकार से अतीत के पन्नों में कुछ बातें दर्ज है, उस आधार पर हमने ये आंकड़ा दर्ज किया है। और इसकी सबसे पहले कहानी शुरू होती है 1528 में। बाबर ने 1528 में अपने सेनापति मीर बाकी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। श्री राम मंदिर को बचाने के लिए हिंदुओं ने जान की बाजी लगा दी। 1,74,000 हिंदुओं को क्षति पहुंचाई गई। इसके बाद मुगलों ने मंदिर को तोड़ा। मंदिर इतना मजबूत था कि तोड़ने के लिए तोप के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। मंदिर को नष्ट करने के बाद जलाल शाह में हिंदुओं के खून का गारा बनाकर लखोरी ईंटों से बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया। भिट्टी नरेश मेहताब सिंह को जब मंदिर पर आक्रमण की जानकारी मिली तो उन्होंने बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा को बीच में रोक दिया और अपने सैनिकों के साथ बाबर के सेनापति मीर बाकी से लड़ने जा पहुंचे। 17 दिनों तक चली भीषण जंग में दोनों ओर से हजारों सैनिक मारे गए। हंसबर सियासत के राजा रणविजय सिंह ने कुल पुरोहित देवदीन पांडे ने 70,000 योद्धाओं के साथ बाबर की सेना से श्री राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया। युद्ध में बुरी तरह से घायल हो जाने के बावजूद अनेक मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारा और अंत में वीरगति को प्राप्त हो गए। हंसवर रियासत के राजा राखी जय सिंह ने अपने पुरोहित देवदीन पांडे की मृत्यु की का समाचार मिलना तो उन्होंने अपनी महारानी जय कुमारी को सत्ता सौंप दी और खुद 25,000 सैनिकों को लेकर श्री राम जन्मभूमि मुक्त करवाने के लिए निकल पड़े और अंत में वे भी वीरगति को प्राप्त हुए। राजा रणविजय सिंह के बलिदान के बाद महारानी जय कुमारी ने आनंद संप्रदाय के महंत स्वामी महेश्वर नंद के साथ मिलकर श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष जारी रखा। स्वामी महेश्वर के नेतृत्व में मठों के मंदिरों और अखाड़ों के असंख्य साधुओं ने अस्त्र उठा लिए। इन्होंने शत्रुओं पर छापा मारकर बुद्धि नीति अपनाई। बाबर का सेनापति मीर बाकी इतना डर गया कि आखिरकार उसे ताश कंद जाकर छिपना पड़ा। इसके बाद हिमायूं के काल में भी महारानी जय कुमारी और स्वामी महेश्वर नंद लगातार संघर्ष करते रहे। इन्हें 10वें युद्ध में सफलता मिली और श्री राम जन्मभूमि 2-3 सालों तक मुगलों से मुक्त भी हुई। बाद में दोनों योद्धा मुगलों की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद अकबर के समय कोयंबतूर से आए रामार्जुन संप्रदाय के स्वामी बलराम आचार्य ने श्री राम जन्मभूमि को मुक्त करवाने के लिए 20 युद्ध लड़े। बाद में बीरबल और टोडरमल की सलाह पर अकबर ने यहाँ छोटा मंदिर बनाने की अनुमति दे दी। साजा के काल में इस मंदिर में लगातार पूजा भी होती रही। 90 वर्ष तक निरंतर पूजा होने के बाद औरंगजेब ने अपने सिपासलार जाबाज खान को सेना समेत मंदिर नष्ट करने के लिए भेज दिया। अयोध्या के अल्लया घाट पर परशुराम मठ था, वहां बाबा वैष्णव दास रहते थे। उनके पास चिमटाधारी साधुओं का एक विशाल शिष्य मंडली होती थी। इन्होंने चिमटा और त्रिशूलों के साथ मंदिर की रक्षा की और जाबाज खान की सेना को उल्टे पांव भागना पड़ा। औरंगजेब ने दूसरी बार सैयद हसन अली को विशाल सेना के साथ मंदिर नष्ट करने के लिए भेज दिया। बाबा वैष्णव दास ने समय रहते गुरु गोविंद सिंह जी से संपर्क साधा। वे सेना समेत मंदिर की रक्षा करने के लिए अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने साधु सेना के साथ मिलकर मुगल सेना को धूल चटा दी। हसन अली सादतगंज के मोर्चे पर मारा गया। यहां सबसे बड़ी जीत हुई। लेकिन 1664 में औरंगजेब ने फिर एक विशाल सेना मंदिर को तोड़ने के लिए भेज दी, लेकिन
तब तक गुरु गोविंद सिंह भी लौट चुके थे। मुगल सेना ने चबूतरे पर बने लघु मंदिर को तोड़कर गड्ढा बना दिया, लेकिन श्रद्धालु वहीं आकर पूजा करते थे। अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह और पिपरा के राजकुमार सिंह ने नवाब सादत अली से श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष जारी रखा। हिंदुओं के लगातार हमलों से तंग आकर नवाब ने पूजा और नवाज दोनों की अनुमति दे दी। फिर आजादी से पहले एक अंग्रेज सिपाही अब्दुल वरकत ने फैजाबाद जिलाधीश के नायर के सामने एक ऐसा बयान दिया जो कि सबके लिए आंखें खोलने वाला था। उसने कहा कि 22-23 दिसंबर 1941 की रात करीब 2 बजे उसने मस्जिद के अंदर एक हल्की रोशनी देखी जो बाद में सुनहरी हो गई। इसके बाद घुंघरालों बालों वाले 4-5 साल के एक सुंदर बालक को वहां देखा और उसे देखकर उसने कहा कि मैं हैरान हो गया। याद रखिए ये बयान मैजिस्ट्रेट के पास था। और उसने कहा कि थोड़ी देर बाद देखता कि मुख्य द्वार पर ताला टूटा हुआ था और मस्जिद में हिंदुओं की भीड़ एक सिंहासन पर मूर्ति रखकर रामलला की पूजा कर रही थी। राम मंदिर के आंदोलन के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा था, विवादित ढांचे पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 30,000 से ज़्यादा सुरक्षा कर्मियों को वहां तैनात किया गया था, लेकिन कोलकाता के कोठारी बंधुओं ने मुलायम सिंह यादव के दावे की हवा निकाल दी। 20 साल के सर्द कोठारी राम के प्रति इतने समर्पित थे कि 200 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने पैदल तय किया था। 30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे पर सबसे पहले चढ़ने वाले युवक सर्द कोठारी था, फिर बड़ा भाई राम कुमार कोठारी भी चढ़ गया और ढांचे पर भगवा झंडा लहरा दिया। 30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे से सीआरपीएफ के जवानों ने दोनों भाइयों को पीटकर खदेड़ दिया, लेकिन इसी बीच पुलिस कर्मियों ने कार सेवकों पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों भाई गोलीबारी से बचने के लिए लाल कोठी वाली गली में जा छिपे, लेकिन दोनों भाइयों को पुलिस कर्मियों ने बाहर निकालकर बेरहमी से पीटा और गोली मार दी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार शहीद कार सेवकों की संख्या सिर्फ 5 बताई गई, लेकिन वहां जान गंवाने वाली रामलला के लिए संघर्ष करने वाले कार सेवकों की संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। अंततः न्याय की जीत हुई और लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद श्री राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। इसके बाद अयोध्या के आसपास के 105 गांवों के सूर्यवंशी क्षत्रिय परिवारों ने 500 साल बाद सिर पर पगड़ी और पैरों में चमड़े के जूते पहनकर अपना प्रण पूरा किया। दरअसल इनके पूर्वजों ने 16वीं सदी में मंदिर को बचाने के लिए मुगलों से युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध हार गए थे। बता दें कि ठाकुर गज सिंह के नेतृत्व में मुगलों की जंग हुई थी। इस जंग में ठाकुर गज सिंह हार गए थे। हारने के बाद गज सिंह ने श्री राम मंदिर जन्मभूमि पर कब्जा होने तक पगड़ी व जूते न पहनने का प्रण लिया था, प्रतिज्ञा ली थी। इसी प्रतिज्ञा का पालन उनकी आने वाली पीढ़ियों ने भी किया, लेकिन जैसे ही राम मंदिर भूमि का जन्म हुआ उसके बाद इन तमाम वहां के लोगों ने अपने प्रण को पूरा करते हुए वहां पर पगड़ी भी पहनी और चमड़े के जूते भी पहने। श्री राम मंदिर जन्मभूमि के लिए हिंदू समाज ने 78 धर्म युद्ध लड़े, जिनमें 3,50,000 से ज्यादा हिंदू वीर गति को प्राप्त हुए ये दावे किए जाते हैं। बता दें कि बाबर के काल में 5 धर्म युद्ध लड़े गए, हुमायूं काल में 10 धर्म युद्ध लड़े गए, जबकि अकबर के काल में 20 धर्म युद्ध लड़े, औरंगजेब के काल में 50, नवाब सादत अली के काल में 5, नसीरुद्दीन हैदर के समय में 3, वाजिद अली के समय में 2, अंग्रेजों के समय में 2 और पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के दौरान यहां पर कार सेवकों ने एक और धर्म युद्ध लड़ा। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के लिए शिलान्यास किया और वो सबसे बड़ा दिन था हिंदू समाज के लिए, राम भक्तों के लिए, ताकि उस समय उस भव्य राम मंदिर की नींव पड़ गई। 500 साल तक हिंदू समाज के सतत संघर्ष के बाद आज अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण वहाँ पर हुआ है और आज रामलला वहाँ पर विराजमान हुए हैं। लेकिन यहाँ भी नहीं भूलना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के पालमपुर से इस राम मंदिर का गहरा नाता है, क्योंकि रामलला वहीं पर उनका मंदिर बनेगा। इसका बाकायदा रेजुलेशन प्रस्ताव पालमपुर में पारित किया गया था। इस प्रस्ताव पर मोहर पालमपुर में लगी थी, जब मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार, लाल कृष्ण अडवाणी समेत तमाम देश की बड़ी हस्तियां वहां पर पहुंची थी और इस प्रस्ताव को पारित करने के बाद आज यह सपना साकार हुआ।
अयोध्या में राम मंदिर में श्री राम लला के नवीन विग्रह की सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे संबंधित अनुष्ठान में आज भाग लिया। सुनहरी रंग का कुर्ता, क्रीम रंग की धोती और उत्तरीय पहने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित राम मंदिर के मुख्य द्वार के अंदर तक पैदल चलकर आए और कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और इसके बाद उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश किया। प्रधानमंत्री इस दौरान अपने हाथ में लाल रंग के कपड़े में लिपटा हुआ चांदी का छत्र भी साथ लेकर आए। गर्भगृह में मोदी ने पंडितों को मंत्र उच्चारण के बीच अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए संकल्प लिया था। अनुष्ठान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी नाथ आदित्य भी मौजूद रहे और दोपहर 12:29 पर रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान सेना के हेलीकॉप्टरों से मंदिर परिसर में पुष्प वर्षा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान एक पोस्ट में कहा कि अयोध्या धाम में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अलौकिक क्षण हर किसी को भाविभोर करने वाला है। इस दिव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वहीं दूसरी ओर असम में श्री श्री शंकर देव सत्र मंदिर में जाने की अनुमति नहीं मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करेंगे कि कौन किस मंदिर में कब जाएगा और उसे क्या इस प्रकार से अनुमति दी जाएगी। राहुल गांधी ने मंदिर में रोके जाने पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के मंदिरों में अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण देखा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पावन में पहुंचे। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी आज राम मंदिर में पहुंचे, उन्होंने पूजा अर्चना की। ठाकुर ने कहा कि इस पावन अवसर पर जिस प्रकार से पूरी देश दुनिया राम की भक्ति में डूबी है, ये आने वाले लंबे समय तक ये हमारी संस्कृति की परिकाष्ठा को फलीभूत करेगी और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुखद संदेश देगी। बहरहाल आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर तमाम देशवासियों को, हिमाचल प्रदेश वासियों को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। जय श्री राम।